स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मुझे लग रहा है आप लोग प्रॉपरली वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। आज जो हमारी फैमिली है उस फैमिली का नाम है एपोसाइनेसी। जो हमारी एपोसाइनेसी जो फैमिली है, इस फैमिली को डॉग बेन फैमिली भी बोलते हैं। ये हमारी कैथिन एंथस रोजियस जो है, जिसको हम कहते हैं सदाबहार, कैथरेंथस रोजियस जानते हो, सदाबहार उसकी फैमिली है। सदाबहार जो है वो आप लोगों ने देखा है, नॉर्मली सदाबहार देखो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, जो हमेशा क्या रहता है, खिला हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, सदाबहार। तो ये जो हमारा कैथरेंथस रोजियस जो है सदाबहार, ये आपको अपने गार्डन में इजिली मिल जाएगा। आपने देखा होगा व्हाइट कलर के जो फ्लावर होते हैं कैथरेंथस रोजियस जो है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। लोग देखेंगे कैथरेंथस जो रोजियस है उसका नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो ये व्हाइट कलर के और आपको पर्पल कलर के फ्लावर जो है वो देखेंगे। आप लोग देखें, आपको अभी आपकी स्क्रीन पर कैथरेंथस रोजियस जो है उसका डायग्राम दिखेगा। दिख रहा है, ये आपको इजीली अपने गार्डन्स में देखने को मिल जाएंगे। व्हाइट कलर के भी होते हैं, देखिए पिंक, व्हाइट, पर्पल, इस तरह से ये कलर के होते हैं। और इस फैमिली में हम इन्हीं फ्लावर्स को देखेंगे। आप लोग ये फ्लावर आपको इजीली अपने घर के आसपास मिल जाएंगे, तो आप लोग इजीली इनका डिसेक्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनमें भी आपको कुछ लेटेक्स सब्सटेंस मिलेगा, मतलब चिपचिपा पदार्थ। अगर आप इसी कैथरेंथस को ही अगर तोड़ने के बाद देखें तो इसमें भी आपको कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलेगा, तो ये लेटेक्स इनमें भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फैमिली की, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो चेंज होगी। डिविजन एंजियोस्पर्मी रहेगा, सब डिविजन डायकोटिलेडोनी है और क्लास भी गैमोपेटलस की है। जो पहले ही वालों में थी गैमोपेटलस, सेम वैसे ही इसमें भी गैमोपेटलस कंडीशन है। फिर बात करते हैं सीरीज की, तो यहाँ सीरीज बाय कार्पेलेटी मींस यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि जो आपकी ओवरी होगी उसमें कार्पल्स जो होगा, सॉरी जो आपका गायनोशियम होगा उसमें कार्पल्स का नंबर जो होगा वो दो होगा। ठीक है, जिन जिन में सीरीज बाय कार्पेलेट होगा उन सब में आपका कार्पल्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा, दो होगा। फिर बात करते हैं ऑर्डर जेनेटिक्स फैमिली एपोसाइनेसी। ठीक है, इसका एक ही नाम है एपोसाइनेसी, जैसे लास्ट जो हमने फैमिली पढ़ी थी जिसको हमने कंपोजिटी या एसटीसी कहा था, इसका एक ही नेम है अपना एपोसाइनेसी। फिर अगर हम लोग बात करें इस फैमिली में ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इस फैमिली में आपको 200 जेनेट 200 वंश मिलेंगे और 2150 जातियां आपको विश्व भर में इसकी पाई जाएगी। दूसरी बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसकी 29 वंश और 60 जातियां जो है इंडिया में आपको इसकी मिलेंगी। फिर बात करते हैं इसमें कि इनमें किस किस तरह के हैबिट होते हैं। इनमें अगर हम बात करें, एक तो होते हैं लाइन, मतलब कट लताएं, ट्रीज भी होते हैं, शर्ट्स भी होते हैं, हर भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस फैमिली में आपको हर, शर, ट्री और काष्ठीय बेल या लताएं मिलेंगी। काष्ठीय बेल में आपने देखा एलेमेंडा कैथारेटिका या एक और है इसमें ब्यूमोनेटियम गैंडीफ्लोर। ठीक है, ट्रीज की अगर बात करें तो ट्रीज में आपको एलेस्टोनिया स्क्लोरेसिस और हेनेरेनिया एंटीसिनेंट्रिका मिलते हैं। शब्स की बात करूं मैं तो नीरियम ओलियंटा, कैरिसा कैरेंडस, थैवेशिया नीरियफोलिया और हर्ब्स की बात करें तो कैथरेंथस रोजियस, एपोसाइना एंड्रोफिलोनिस, इस तरह से और भी बहुत सारे जो है हर्ब्स आपको मिलते हैं।
ठीक है। फिर मैं बात करूं इसमें रूट सिस्टम की, तो इसमें आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगी, सिंपल टैप रूट सिस्टम होगा। और ये टैप रूट कई बार क्या हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, शाखाएं भी इसकी निकली हो सकती है इन सम कंडीशन, नॉर्मली टैप रूट्स ही होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके स्टैम, तो इसका जो स्टैम होता है वो सिंपली एरियल होता है, आप लोग देखते हो, और ब्रांच भी होता है। सदाबहार तो सबने देखा ही है, और कोई प्लांट ना देखा हो लेकिन सदाबहार तो इजीली सबने देखा है। ब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल मींस बेलनाकार होता है, सीधा होता है, बाहर की तरफ होता है, प्रोस्टिक मतलब हॉरिजॉन्टली फैला नहीं होता, ये सीधा होता है। जब हमारी भूमि है, भूमि की क्षैतिज के साथ फैलाना होकर ये ऊपर की तरफ फैला जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेम में मैंने अभी बताया था आपको मिल्की लैटेक्स, मिल्की लैटेक्स मतलब कि जो दूध होता है, दूध के जैसा आपको कुछ चिपचिपा पदार्थ। देखो क्लियर, आप लोगों ने आंकड़ा जो है कैलाट्रोपस पासेरा जिसको हम आंख बोलते हैं, आंख में आप लोग क्लियरली देख सकते हो इस ये वाली कंडीशन, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी लीव्स की, लीव्स सिंपल होती है, निम सिंपल से आपने देखी है, अल्टरनेट होती है। ये चीज आप लोग कैथेरेंथस की जो ट्री है, सॉरी हर्ब है, उस हर्ब में आप देख सकते हो कि पत्तियां लगी कैसे हैं। अगर इतने दिन आपने ध्यान नहीं दिया तो अब आप लोग जाके इस पे ध्यान दें कि कैथेरेंथस पर लीव्स किस तरह से अरेंज होती है, चक्राकार में हो सकती है और एक्सटिपुलेटेड होती है, मींस इनके पास लीव्स के पास एक कोई भी लीव जैसी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं इनके इनफ्लोरेसेंस, इस फैमिली का जो इनफ्लोरेसेंस है वो साइमोस होगा। साइमोस इनफ्लोरेसेंस में आपको पता है कि ये जो है हमारी फ्लावरिंग ब्रांच, इस फ्लावरिंग ब्रांच में यहां पर फ्लावर फॉर्म हो जाएगा, तो ये फ्लावरिंग ब्रांच की जो ग्रोथ है वो क्या हो गई, रुक गई। रुकने के बाद यहां पर आप लोग देखेंगे कि एक्रोपिटल कंडीशन में ना लगकर फ्लावर बेसिपिटल कंडीशन में लगेंगे, मींस ऊपर से नीचे की तरफ आपको फ्लावर जो है वो लगे हुए दिखाई देंगे, नीचे से ऊपर जाने की बजाय ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल अग्राभिसारिका, और ऊपर से नीचे आते हैं तो उसे हम कहते हैं बेसिपिटल तलाभिसारिका। तो साइमोस इनफ्लोरेसेंस में आपको तलाभिसारी क्रम देखने को मिलेगा। अब बात आती है इसके फ्लावर की, तो यहां पर जो फ्लावर है वो क्या होगा, ब्रैक्टिएट होगा, मींस ब्रैक्ट प्रेजेंट होगी, कई बार ब्रैक्ट एब्सेंट भी होती है। जो वाला सदाबहार है, कैथेरेंथस है, उसमें ब्रैक्ट एब्सेंट मिलेगी, कुछ में थैविया जो है उसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, ई ब्रैक्टियोलीफ भी प्रेजेंट होती है थैविया में, लेकिन सदाबहार में ब्रैक्टियोलीफ भी एब्सेंट होती है। पेडिसिलेट मींस फ्लावर में क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका वृत्त प्रेजेंट रहेगा। कंप्लीट फ्लावर होगा मींस कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब प्रेजेंट रहेंगे। बाइसेक्सुअल होगा, जब फ्लावर कंप्लीट है तो कंफर्म क्या है, बाइसेक्सुअल होगा। एक्टिनोमॉर्फिक होगा, मींस इसको आप कहीं से भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, पेंटामिरस होगा, मींस सेपल पेटल इनकी नंबर्स जो होंगे वो 5-5 होंगे, इसलिए इसको हमने पेंटामिरस कहा है। दूसरी बात करें, यहां पर फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, ठीक है, मतलब सारे के सारे जो चक्र है वो नीचे से डेवलप होंगे और आपका जो गाइनोशियम है वो ऊपर से डेवलप होगा, लेकिन जो हमारा प्लूमेरिया एक्टिफोलिया जो प्लांट है इसमें आपको एपिगाइनस और पेरिगाइनस मींस फ्लावर हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी के साथ या इंफीरियर ओवरी के साथ भी मिल सकते हैं। नॉर्मली ये इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जितने भी आते हैं उनसे आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो एक्सेप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखें आप। फिर आती है कैलिक्स की बात, तो कैलिक्स में सैपल्स का नंबर होगा 5, ठीक है, ग्यामो या पॉलीसैपलस कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, साथ में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एम्ब्रिगेट होंगे, ठीक है, एम्ब्रिगेट और क्वीन स्क्वेयर मींस एम्ब्रिगेट से लेकर क्वीन स्क्वेयर तक की कंडीशन में प्रेजेंट है। यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी परसिस्टेंट,
कंपोजिटिव में भी आपको परसिस्टेंट मिला था, मींस चिरस्थायी। जब इसमें फ्रूट बनते हैं तब तक अगर आपका ये प्रेजेंट है, क्या सैपल्स प्रेजेंट है, तो उनको हम कहते हैं चिरस्थायी। फिर बात आती है करोला। करोला में फाइव होंगे, क्लास इसकी गैमोपेटेला है, तो इसमें जो पेटल्स होंगे वो कैसी कंडीशन में होंगे, गैमो कंडीशन में होंगे, गैमोपेटल्स। और एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन जो होगा यहाँ पर वो होगा ट्विस्टिंग एस्टिवेशन, मतलब एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। फिर आता है गाइनोशियम की बात, तो गाइनोशियम में नंबर ऑफ स्टैमन होंगे फाइव। देखो यहाँ पे फाइव है, यहाँ भी फाइव है, यहाँ भी फाइव है, तीनों जगह आपको फाइव फाइव नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने इस फ्लावर को क्या कहा, पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, फिर फाइव होंगे स्टैमंस, और स्टैमंस एपिपेटलस होंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, लेकिन ये जो है वो पेटल से जरूर जुड़े होंगे। इसे पहले वाली जो फैमिली थी, कंपोजिटी फैमिली थी, उसमें भी आपको ये जो है वो इससे जुड़े हुए मिल रहे थे। देखो कंपैरिजन करके अगर आप फैमिलीज पढ़ेंगे तो इजी गोइंग याद होगा, ठीक है, आसानी से आपको याद होंगे। तो एपिपेटलस कंडीशन होगी, एंथर होगा डायथिकस बेसिफिक्स और एंथ्रक्स। ये तो पता चल गया, डायथिकस मतलब दो लॉब्स होती है, बेसिफिक्स मतलब बेस से जुड़ा हुआ होता है, और एंट्रॉस मतलब इसका जो प्रस्फुटन होगा वो किसकी तरफ होगा, आपका किसकी तरफ होगा, गाइनोशियम की तरफ होगा। अब गाइनोशियम की बात करें, जब इसकी सीरीज बाइकार्पेलेट है, सीरीज जब बाइकार्पेलेट है तो इसमें गाइनोशियम में कार्पस का नंबर भी कितना होगा, दो, तो बाइकार्पेलरी, एपोकार्पस और सिनकार्पस दोनों कंडीशन कई बार जुड़ी हुई भी होती है और कई बार आपको अलग अलग भी मिलेंगे। प्लासेंटेशन जो होगा वो होगा मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है, विद इंफीरियर ओवरी। देखो यहां अगर फ्लावर नॉर्मली हाइपोगाइनस है तो सुपीरियर ओवरी मिलेगी, और अगर प्लीमेरिया की जैसे पेरिगाइनस और एपिगाइनस कंडीशन है तो आपको इंफीरियर या हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। फिर आता है फ्रूट की बात, इसमें फॉलिकल फ्रूट्स होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्म, मतलब सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलिनेशन जो है वो मिलेगा अपना इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन मिलेगा, ठीक है। फिर बात करें और जो डिस्पर्सल होगा वो एयर के थ्रू, पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, और डिस्पर्सल जो होगा वो होगा एयर के थ्रू। फ्लोरल फॉर्मूला जहां तक आपने लिखा है, फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये जो फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है वो कैथेरेंथस रोजियस का लिखा है, किसका लिखा है, सदाबहार का। तो इसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, बाइसेक्शन होता है, कील फाइव होते हैं, और सी मतलब पेटल्स भी फाइव होते हैं, गैमो कंडीशन में होते हैं, स्टैमंस भी कितने हैं, फाइव है, एपिपेटलस कंडीशन से है, और गाइनोशियम जो है वो हमारा बाइकार्पेलरी है, सिनकार्पस है और सुपीरियर ओवरी है। ये जो हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है वो है कैथेरैंथस रोजेस, ठीक है। अगर फैमिली का नाम लेके पूछे तो भी आप ये लिख सकते हो, और अगर आपको कैथेरैंथस रोजेस का पूछे तो भी आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसके फ्लोरल डायग्राम की, तो मैं इसका फ्लोरल डायग्राम मैं कैथेरैंथस रोजियस का ही आपको फ्लोरल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके बता रही हूँ कि कैथेरैंथस रोजियस में किस तरह से आपका फ्लोरल डायग्राम होगा। सबसे पहले मदर एक्सिस की बात करें तो मदर एक्सिस इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्लियर आपको मदर एक्सिस इसमें दिखे। फिर आप लोग जो है इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मदर एक्सिस के बाद में इसमें ब्रैक एब्सेंट है, तो मैंने यहाँ पर ब्रैक को नहीं बनाया है। फिर जो है आता है इसकी सैपल्स की बात, तो इसमें फाइव सैपल्स हैं, गैमो या पॉली दोनों कंडीशन में है, लेकिन मैंने फ्लोरल फॉर्मूला में पॉली कंडीशन लगाया है तो इसलिए यहाँ पर पॉली कंडीशन में ही होंगे। और इस तरह से देखो इसमें आपको वेलवेट कंडीशन मिलेगी,
1, 2, 3, 4, then 5. ये मेरे 5 आपको क्या मिलेंगे? क्या है ये 5? सैंपल्स 5 है. फिर उसके बाद में जो पैटर्न्स हैं वो आपको 5 मिलेंगे, और पैटर्न्स जो 5 होंगे वो आपके ट्विस्टेड होंगे. 1, 2, 3, 4, 10, 5. 1, 2, 3, 4, then 5. और ये गैमो कंडीशन में होंगे, इस तरह से जुड़े हुए, और जहां से ये जुड़े हुए हैं वहां पर आपको इस तरह से स्टैमंस लगे हुए हैं. क्योंकि कैसी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है आपकी, कौन सी कंडीशन है? गैमो सैपलस तो है ही है, सॉरी गैमो पैटर्नस तो है ही, एपी पैटर्नस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है. फिर आपको इसमें जो ओवरी होगी वो बाय कार्पोलरी कंडीशन में मिलेगी, और वो इस तरह से. और इसमें इस तरह से ओवरी लगे होंगे, ठीक है. तो ये हुआ इस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम. इसके बाद अब हम आगे क्या बढ़ते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इस फैमिली में भी आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको जो है ऑर्नामेंटल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, एडिबल प्लांट, फाइबर प्लांट मिलेंगे, ठीक है. तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट है, कौन कौन से जो है आपके मेडिसिनल प्लांट है, तो वो आप अभी देखेंगे. इस फैमिली के ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें, एल्सेटोनिया, स्क्लोरेसिस, ब्यूमेंटिया, गेंडीफ्लोरा, नीरियम ऑडेरम, थेवेशिया, नीरिफोलिया, राइटिया, टिंक्टोरिया, प्लूमेरिया, एक्विनेटा, एलेमेंटा, कैथेरटिका, ठीक है. इसके अलावा कैथेरंथस रोजियस जो है वो भी एक ऑर्नामेंटल फॉर्म में ही यूज होता है. तो ये सारे फ्लावर्स आप लोग जो है आप लोगों को गूगल पे आप करके इनकी फोटोज़ देख सकते हो, और देख सकते हो ये कितने सुंदर फ्लावर्स में से हैं. मेडिसिनल प्लांट्स में से इस फैमिली में काफ़ी जो है आपको मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे. फर्स्ट जो की बात करें हम, अल्टर एलेस्टोनिया स्क्लोरेसिस, इसकी जो बार्क होती है उससे टॉनिक बनाया जाता है. साथ में ही ये इनमें जो एल्कलॉइड निकलता है एलेस्टोनिन और डेटामिन, ये जो है फीवर वगैरह में यूजफुल होते हैं. थवेशिया कैरिफोलिया, जो पीली कनेर होती है, येलो येलो कलर का जो फ्लावर आता है ना, इसकी जो बार्क है वो भी फीवर को दूर करने में यूज करती है. इसके अलावा इस फैमिली का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है मेडिसिनल प्लांट में, राउल्फिया सर्पेंटाइना, जिसको हम सर्पगंधा कहते हैं, इससे जो एल्कलॉइड मिलते हैं उनसे वो सेंट्रल नर्व सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. और बहुत सारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उसमें इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है. नेक्स्ट जो है टैबरेना मॉन्टेना, ये चांदनी कहलाता है. इसका जो लेटेक्स होता है, ठीक है, वो जो पाइल्स का जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करता है. सदाबहार जो है, जो हर कहीं लग जाता है, इजीली लग जाता है, ये भी एक काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक मेडिसिनल प्लांट है. इससे जो एल्कलॉइड निकलता है उसका नेम है विनक्रिटिन, ठीक है. और इसके अलावा विनग्लेनिन, विल्बिनेस्टिक, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में, और इसकी जो लीव्स और जो इसका फ्लावर है वो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में काफ़ी यूजफुल है. नेक्स्ट मैं बात करूं हेलोरिया एंटी डिसॉन्ट्रिका, इसकी जो बार्क और इसका जो सीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, उनसे टॉनिक बनाया जाता है. इसके अलावा फीवर है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज़ है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जॉइंटिस है, जिसको हम कहते हैं हमारा अस्थमा है, इन सब के
जो हमारे गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उन सब में इस ये हमें काफ़ी जो है फ़ायदा पहुंचाता है। इसके एडिबल प्लांट की बात करें कैरीसा कैंडीफ्लोरा, जिसकी जिससे हम लोग सब्जी या अचार या जेली जैसा कुछ बनाने में यूज़फुल है। इसके अलावा फाइबर प्लांट भी है इस फैमिली में, एपोसाइनम वेनेटम, जिससे फाइबर ऑप्टेंट होते हैं और इस फाइबर से आप लोग नॉर्मल कपड़ा है, रस्सियाँ जो हैं, या फिर पाल, पाल मतलब होता है जो फैलाने एक कुछ रस्सी टाइप में होता है, नाव वगैरह में लगाते हैं। इसके अलावा आप लोग जो मछली पकड़ने का जो नेट होता है वो भी इससे बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि ये फैमिली में कितने सारे इम्पोर्टेंट जो है प्लांट्स हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के। आप लोगों ने इस फैमिली को पूरा कंप्लीट स्टडी किया, इसके क्लासिफिकेशन से लेकर इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक। ठीक है, तो आज की क्लास में ये फैमिली कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नई फैमिली के साथ आएंगे। जब तक आप लोग इस फैमिली को बड़े अच्छे से जो है स्टडी करें, ठीक है, नोट्स आप लोग इसके प्रिपेयर करें, क्योंकि इस बार नोट्स आप लोगों को मैं पीडीएफ बीच बीच में हिंदी मीडियम का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने नोट्स जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है वही चीज करनी है, तो आप बोर्ड से या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को आप लोग जो वीडियो के थ्रू कंप्लीट करें और सभी अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाएं, क्योंकि ये फैमिली जो है फैमिलीज जो है वो आपको इन फ्यूचर भी काम आने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।